Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And after discussing with you three topics on research methodology, I am back with my favorite paper, you can say educational psychology. And here I am dealing with you an important topic, that is cooperative learning. Okay, kaise sahyog, sahyogatmak adhigam, you can say. So this topic is also very, you can say, important to you, and it is a very relevant pedagogy or learning style nowadays. So let's start. What is the history of cooperative learning? हम ये सोचें कि अभी क्या कुछ सालों में कैसे बात होने लगी cooperative learning पे, पहले तो इतनी बात नहीं होती थी. क्या है इसका इतिहास, क्या है? तो बहुत पहले से इस पर काम हो रहा है. Social theorists like Alpert, Watson, Shaw and Mead started developing cooperative learning theory before World War II. यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही Alpert, Watson और इस तरीके के social theorists जो थे, उन्होंने cooperative learning theory को विकसित किया. After discovering that group work was more successful and efficient than working alone in quantity, quality and overall production. देखिए, आपको पता होगा, मतलब हम लोग ने साइकोलॉजी में देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने इंटेलिजेंस टेस्ट सब बने हैं. मतलब विश्व युद्ध है ना, एक बड़ी एक आपदा है. तो जितने तरीके के लोग हैं, सब अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे समाज का सुधार हो सकता है, कैसे शिक्षा में सुधार हो सकता है. तो मतलब ये पाया गया कि जब लोग समूह में काम करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इन कंपैरिजन जब वो अकेले काम करते हैं. क्वांटिटी में भी ज़्यादा मात्रा में वो बना सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, गुणवत्ता भी बढ़िया होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़िया होगा. तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पाया गया. हाउएवर, इट वॉज इन 1937 दैट रिसर्चर्स मे एंड डू डिस्कवर दैट दोज हु कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर टू अकॉम्प्लिश कॉमन गोल्स वर मोर सक्सेसफुल इन अचीविंग रिजल्ट्स देन दोज हु ट्राइड टू अकॉम्प्लिश द सेम गोल्स ऑन देयर ओन. जबकि 1937 में मे और डूब दो रिसर्चर्स थे, उन्होंने पाया, उन्होंने खोजा कि जब हम कोलैबोरेट होकर काम करते हैं तो हम कॉमन गोल्स को इजीली अकॉम्प्लिश करते हैं, इजीली पा सकते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं हम, हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा बढ़िया आते हैं जब हम उसी काम को अकेले करते हैं. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट इंडिपेंडेंट अचीवर्स वर मोर लाइकली टू एग्जिबिट कॉम्पिटिटिव बिहेवियर्स. और उन्होंने ये भी पाया कि जो इंडिपेंडेंट अचीवर्स होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन की भावना ज़्यादा होती है. जबकि आप ये पाएंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी ने कॉम्पिटिशन को कोऑपरेशन से बदला है, एक्सचेंज किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. फिर बाद में 1930s और 1940s में जॉन डीवी, कर्ट लिविन एंड मॉर्टन ड्यूश ने भी पाया, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई. हु प्लेड देयर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी प्रैक्टिस टुडे. आज जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी प्रैक्टिस की जा रही है उसको प्रभावित करने में जॉन डीवी, कर्ट लिविन एंड मॉर्टन ड्यूश की भी भूमिका रही. जॉन डीवी बिलीव्ड स्टूडेंट्स नीडेड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन इन सोशल स्किल्स दैट दे कुड अप्लाई इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. जॉन डीवी ने ये विश्वास जताया कि विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सोशल स्किल्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसको अप्लाई कर सके और क्लासरूम के बाहर भी, एज वेल अप्लाई इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. देखिए, सोशल इनपुट तो डीवी साहब ने ये बात की ही है. सोसाइटी की जब बात करते हैं तो डीवी की याद आती है. फिर सॉरी, और अगर इसके इतिहास में बात करें तो पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच रादर देन बीइंग पैसिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स, मतलब इस अप्रोच ने कहा कि जो विद्यार्थी है उसको पैसिवली इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर मत बनाइए, मतलब वो बैठा हुआ है चुपचाप कुछ नहीं कर रहा है. स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस बाई डिबेटिंग क्वेश्चन एंड सोल्यूशन इन ग्रुप्स. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें एक्टिवली सक्रियात्मक रूप से इंगेज रहना चाहिए, उनको प्रश्न पूछने चाहिए, उनको सोल्यूशन बताने चाहिए समूह में. ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग एंड प्रपोज दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे वर्क टुगेदर. उन्होंने कहा कि जो सामाजिक अधिगम की महत्ता पर इन्होंने बल दिया, इसका इतिहास है, यहाँ से निकल के आ रही है कोऑपरेटिव लर्निंग. और इन्होंने पाया कि विद्यार्थी जब बेहतर साथ में काम करते हैं तो बेहतर सीखते हैं. कर्ट लिविन और मॉर्टन ड्यूश ने भी थ्योरीज दी, जैसे कि ग्रुप डायनेमिक्स की बात होती है. ग्रुप डायनेमिक्स ना, समूह की गत्यात्मकता, समूह गति करता है, समूह एक साथ प्रोडक्शन करता है, समूह एक साथ बढ़ता है. तो कर्ट लिविन का ये कंसेप्ट है ग्रुप डायनेमिक्स का. उसी तरह से मॉर्टन ड्यूश ने इंटर ग्रुप रिलेशंस के बारे में बताया. और इन दोनों सिद्धांतों ने कोऑपरेटिव लर्निंग के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
लिविंस बिलीव्ड इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रुप मेंबर्स टू अचीव लर्निंग गोल सक्सेसफुली. लिविन ने यह विश्वास बताया, लिविन ने यह कहा कि जो ग्रुप मेंबर्स के बीच में जब सहसंबंध स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित होते हैं, तो लर्निंग गोल्स हमको अच्छी तरीके से हम सक्सेसफुली उसको अचीव कर सकते हैं. ड्यूश बिलीव इन सोशल इंडिपेंडेंस प्रपोजिंग दैट ईच लर्नर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज ऑफ द ग्रुप. सोशल इंडिपेंडेंस की बात, मतलब हम इंडिपेंडेंट तो है पर हमारा जो सोशल इंडिपेंडेंट, मतलब कि हम जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो सोसाइटी के कॉन्ट्रीब्यूशन में, वो ग्रुप के कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा, या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ग्रुप के कॉन्ट्रीब्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करें, है ना. फिर सॉरी, अगर थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स की बात करें कि कौन से सिद्धांत इसके अंदर निहित है, अंतर्निहित है, तो हम पाएंगे कि द मेन थ्योरी दैट अंडरपिन्स कोऑपरेटिव लर्निंग रिफर्स टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना. हम बार बार सोसाइटी का इंक्लूजन, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो है पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, और जिसको कि हम बहुत बार जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वाइगोट्स्की का ये कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. इन्होंने कहा कि रोल ऑफ कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमंस लर्न. उन्होंने कहा कि मनुष्य कैसे सीखता है ये समझने में संस्कृति, समाज, भाषा और आपसी अंतः संबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. वाइगोट्स्की अज्यूम दैट नॉलेज इज कल्चरल. वाइगोट्स्की ने हमें बताया कि जो ज्ञान है वो सांस्कृतिक है. ही टुक अ सोशियो कल्चरल अप्रोच इन स्टडी ऑफ चिल्ड्रन. उसने जो अध्ययन किया विद्यार्थियों पे, उसमें उसने एक सामाजिक सांस्कृतिक उपागम को फॉलो किया. दिस अप्रोच कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज कोऑपरेटिव एंड कल्चरल. उन्होंने कहा कि इस उपागम को आप कोऑपरेटिव कह सकते हैं, कल्चरल कह सकते हैं. वाइगोट्स्की असर्टेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग देयर थॉट्स, लैंग्वेजेस एंड रीजनिंग प्रोसेस इज द रिजल्ट ऑफ कल्चर. वाइगोट्स्की ने हमें ये बताया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका जो विकास होता है उसमें उनके विचार, उनकी भाषा, उनकी जो तार्किक क्षमता है, वो सब संस्कृति का परिणाम है. किस तरीके की संस्कृति का हम हिस्सा हैं वही तय करती है कि हम क्या सोचेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, कैसा हमारा विचार होगा, सब कुछ. दीज एबिलिटीज़ आर डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स. उन्होंने कहा कि इन योग्यताओं को दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके, सामाजिक इंटरेक्शन से और विकसित किया जा सकता है. देयरफॉर दे रिप्रेजेंट द शेयर्ड नॉलेज ऑफ ए गिवन कल्चर. यानी कि हम सभी जो हैं हमारी संस्कृति का शेयर्ड नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेयर करते हैं. इसी तरह, इसी क्रम में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ZPD. बहुत बार ZPD की बात हुई है. ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इन्होंने कहा कि इट कैप्चर्स द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्किल्स दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग एंड दीज स्किल्स कैन ओनली बी होन्ड विद द असिस्टेंस ऑफ मोर स्किल पर्सन. ये कह रहे हैं बार बार कि आप अकेले सीख रहे हैं तो आप कितना सीख रहे हैं, आप जब किसी के साथ, और किसी के साथ भी मोर नॉलेजेबल देन यू, आपसे ज़्यादा ज्ञानवान अगर कोई है और आप उसके संग असिस्टेंस, उसके संग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके संग आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप बढ़िया और बढ़िया सीखेंगे. वाइगोट्स्की एक्सप्लेन दैट द अपर लिमिट इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैन नॉट बिकम फ्रूटफुल विदाउट सोशल इंटरेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम पीयर्स एंड टीचर्स. इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके साथी समूह हैं, और आपके शिक्षकों के इंटरेक्टिव सपोर्ट के बिना आप नहीं सीख सकते हैं, बेहतर नहीं सीख सकते हैं. फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, इस तरह से हम समझ गए कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप में एक दूसरे की मदद करते हुए सीखते हैं. कोऑपरेटिव, देखिए इसका मैंने आपसे पहले भी जिक्सॉ आपसे शेयर किया है बहुत पहले, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी ही है जिक्सॉ. आप इसको, मैं याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिक्सॉ डाल दूंगी. कोऑपरेटिव लर्निंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू कोऑपरेशन एज अगेंस्ट अवर प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. देखिए आजकल वैसे भी समाज इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो हम अगर कॉम्पिटिशन को कोऑपरेशन से एक्सचेंज कर दें तो कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़िया हो जानेगी, मतलब बढ़िया लर्निंग होगी, थोड़ा एट ईज हो जाएगा माहौल. पीपल आर बॉन्डेड टुगेदर बाई लव एंड कोऑपरेशन एंड इट इज़ दिस क्वालिटी ऑन विच द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड इज बेस्ड. कह रहे हैं कि लोग वैसे भी, मतलब लव और कोऑपरेशन हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, हम इससे एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, और ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू जॉनसन एट अल 1999 में ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल टूल इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव कम्बाइंड लर्निंग गोल्स. वो कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है एक एजुकेशनल टूल है जिसमें विद्यार्थी साथ साथ सीखते हैं और हम लर्निंग गोल्स को एक्टिवली कम्बाइंड रूप में अचीव करते हैं. स्लेविन का नाम बहुत आता है कोऑपरेटिव लर्निंग में. इन्होंने कहा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो है छोटे समूहों में सीखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, जिससे जो एकेडमिक कंटेंट है उस पर सबकी मास्टरी हो जाए, सबको आ जाए जो पढ़ाया जा रहा है. स्लेविन ने यह भी बिलीव किया कि गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू असिस्ट वन अनदर टू मैक्सिमाइज लर्निंग. हमारा जो कोऑपरेटिव लर्निंग का उद्देश्य यह है कि हम विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो एक दूसरे की मदद करें ताकि लर्निंग मैक्सिमाइज हो सके, अधिक से अधिक सीख सकें. टू अकॉम्प्लिश
To accomplish this, students must work together to complete a project or material as a group. Slavin ने और कहा कि दो मुख्य, देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने aspect बताए हैं cooperative learning के, जिससे कि student achievement बढ़ता है. कौन कौन से? ग्रुप रिवार्ड्स एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. देखिए कितनी बड़ी बात है, इनाम तो ग्रुप को मिलेगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल की होगी. हम ईच इंडिविजुअल अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेगा तो वो बढ़िया करेगा, एक दूसरे को असिस्ट करेगा, लर्निंग गोल्स अचीव होंगे. और रिवॉर्ड ग्रुप को, मतलब हम समूह को, हमारी टीम जीते इसलिए इंडिविजुअल मदद करता है, खेलता है. बढ़िया, हर इंडिविजुअल का अपना रोल होता है लेकिन टीम को इनाम मिलता है ना, वही बात है. एडिशनल गोल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्लूड अज्यूमिंग लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप प्रोसेस, पॉजिटिव इंटरेक्शन, इंक्रीज लर्निंग एंड इम्प्रूव्ड सेल्फ स्टीम. इसके अलावा जो एडिशनल लक्ष्य हैं, इसके योगात्मक लक्ष्य हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, वो हैं कि हमारे अंदर नेतृत्व की का गुण डेवलप होता है, हम इक्वल और एक्टिव पार्टिसिपेशन सीखते हैं, ग्रुप में पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लर्निंग बढ़ती है और हमारे सेल्फ इस्टीम भी बढ़ता है कि हमारे अंदर ये विश्वास जागता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं. तो ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव लर्निंग के, यानी कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भर तो है पर पॉजिटिवली. मेंबर्स आर obliged टू rely on one another टू अचीव their गोल्स. हम एक दूसरे, हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे कि हम आप पर निर्भर हैं और आप हमारी मदद कर रहे हैं, हम आप पर आपकी मदद कर रहे हैं. इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी है, सबको कोई ना कोई काम दिया गया और सब अकाउंटेबल हैं कि अपना अपने हिस्से का काम करेंगे. फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन. ग्रुप असाइनमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द वर्क कैन नॉट बी सिंपली पैरेलल आउट एंड डन इंडिविजुअली. हमको सबको एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करना है और अपने अपने हिस्से का काम भी करना है. फिर अप्रोप्रिएट कोलैबोरेटिव स्किल्स. हम कोलैबोरेटिव स्किल्स सीखते हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट. तो ग्रुप होगा तो कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा लेकिन हमको कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट सीखना होगा कि हम द्वंद का निस्तारण कैसे करेंगे. फिर ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप कैसे काम करता है. और हेट्रोजीनस ग्रुप, देखिए बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है कि जब हम हेट्रोजीनस ग्रुप में होते हैं तो हम बढ़िया परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक जैसे हमारे गुण दोष ना हो, अलग अलग हों. विषम जब समूह होता है तो वो बेनिफिट उसमें ज़्यादा है. तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस. ये पाया गया कि अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग पेडागॉजी इस्तेमाल करते हैं तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होती है क्योंकि रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इन्हेंसेस मोटिवेशन बच्चे को, अभिप्रेरणा स्टूडेंट को, अधिक अभिप्रेरणा मिलती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है, पीयर रिलेशन बढ़ता है. इसके अलावा क्या इसकी खासियत है कि डाइवर्सिफाइड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स को हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं ना. ऐसे तो बस हर बच्चा बैठा है, किसी को कोई काम नहीं, हर किसी को काम है. किसी को लिखने का काम है, किसी को ढूंढने का, किसी को एक्ट करने का, इनएक्ट करने का, कंपाइल करने का, किसी को कंप्यूटर का काम. मतलब कि जितनी भी डाइवर्सिफाइड एबिलिटीज़ हम स्टूडेंट की, इसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनकी संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परफॉर्मेंस बढ़ती है. एंड एट सच इट्स एन इफेक्टिव वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. और जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात एजुकेशन में करते हैं उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं इसके थ्रू. और इसके अलावा एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स इसके क्या हैं? लर्निंग फॉर ऑल, सभी सीखेंगे क्योंकि सभी इन्वॉल्व हैं. एकेडमिक अचीवमेंट, क्योंकि आपका जो शैक्षिक निष्पत्ति है वो बेहतर होगी इससे. स्किल्ड कम्युनिकेशन, आप संप्रेषण का कौशल डेवलप होगा और आपकी मेंटल या साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी क्योंकि सबसे बात हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जा रहा है, सब चीज़ें हैं. तो कंक्लूड अगर हम इसको करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग is a student-centered, instructor-facilitated instructional strategy. यानी कि ये विद्यार्थी केंद्रित और instructor को facilitate करने वाली, यानी जो आपका अनुदेशन करता है उसको facilitate, उसको लिए सहायित अनुदेशनात्मक प्रविधि है जिसमें कि एक small group of students responsible होते हैं अपनी learning के लिए और दूसरे members की learning के लिए भी. Students interact with each other in the same group to acquire and practice the elements of the subject matter to solve a problem, complete a task or achieve a goal. जो students हैं वो एक दूसरे से interact करते हैं एक समूह में ताकि जो हम जो subject matter है उसको practice कर सकें, किसी समस्या का समाधान कर सकें, कोई task complete कर सकें या किसी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें. सॉरी गले में खराश. तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, देखिए जिक्सॉ होती है, आपसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. थिंक पेयर शेयर है, जोहारी विंडो है ना, स्टूडेंट अचीवमेंट ऐसे करके है, TDS ऐसे करके है, स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्टिंग ऐसे करके, मतलब बहुत सारी हैं. और इस ये आपके सिलेबस में होता है, आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी कभी कभी कोऑपरेटिव लर्निंग का टॉपिक होता है. इस पर सवाल पूछे जाते हैं आपसे, है ना. तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आप समझ लीजिए तो कई सवालों के हल निकल आएंगे, है ना. और अगर आप टीचर हैं तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी कभी क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें. ओके,
सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप इंगेज कर सकें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड अ वेरी यूजफुल इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट टॉपिक फॉर यू. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. चलो अब आज बराबर कर सकती हूँ.